आज के इस वीडियो के अंदर आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं जो कि यहाँ पे है हमारे पास कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला एक न्यू वायर्ड गेमिंग हेडफोन्स का आज हम अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। पूरा लास्ट टाइम तक वीडियो देखते रहिए, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बॉक्स पैकेजिंग की बात करें तो बॉक्स पैकेजिंग कुछ इस प्रकार का बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिल जाते हैं और आपको ब्लैक और येलो कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे कॉस्मिक बाइट का आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और गेमिंग हेडफोन्स यहाँ पे आप CBEP04 मॉडल नंबर यहाँ पे आपको मिलता है देखने को लिए और यहाँ पे आप PS4 में यूज कर सकते हैं, PS5 में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है और इस साइड पे आपको पीछे की तरफ देखिए कुछ मेंशन है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं और हल्का से यहाँ पे आप देख लीजिए इसका प्राइस जो लिखी गई है 999 रुपीज का प्राइस रेट यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। एक्चुअल प्राइस जो है इसका सिर्फ 799 रुपीज है इसका प्राइस जो है और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ आपको सील मिल जाते हैं, उसको हम सील को यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं और इस प्रकार से इसको बाहर निकाल लेते हैं। कुछ देखने को कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है जो यहाँ पे इसका पैकेजिंग जो है और एसेसरीज जो हमें क्या मिलता है। यहाँ पे आपको एक लेजर का एक पाउच देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस पाउच की भी, तो इसको हम साइड पर रख देते हैं और यहाँ पे अंदर की तरफ से इसको पहले हम जो ईयरफोन्स को बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख देते हैं। तो अंदर की तरफ यहाँ पे आपको यहाँ पे ईयर कफ्स देखने को मिल जाते हैं जो आपके कानों के हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इस पाउच में और आपको क्या देखने को मिल जाता है और एक आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर की क्वालिटी जो है आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको एक माइक देखने को मिल जाता है तो इसको हम साइड पर रख देते हैं, आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं हेयर हुक और इसको अभी हम साइड पर रख देते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है एक टी शर्ट क्लिप जो यहाँ पे आराम से टी शर्ट पे अटैच करके यूज़ कर सकते हैं आपका जो ईयरफोन्स वगैरह, तो इसको हम साइड पर रख देते हैं इस एसेसरीज को और हमारा मेन ईयरफोन्स की बात करें तो ये एयरफोन्स जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका जो डिज़ाइन देख सकते हैं कुछ आपको इस प्रकार का डिज़ाइन दिखता है तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। इसका प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी डिज़ाइन यहाँ पे आपको दिया गया है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेटल देखने को मिलता है, जो इसका ऊपर का कैप जो है वो आपको मेटल देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है तो इसका एयर टू आपको काफ़ी अच्छा एयर कप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे हेयर हुक भी देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लाइट वेट के साथ ईयरबड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्रॉसनेस। अटैच करने के बाद जो आपको यहाँ पे गेमिंग खेलते हैं और देखते हैं एक्चुअल में जो आपके लिए गेमिंग के लिए परचेस करना सही होगा या नहीं देखते हैं। गेम यहाँ पे ऑन किया है, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसका जो खेलने में, जो इस ईयरफोन्स के थ्रू गेम खेलने में। तो यहाँ पे हम इस 3.5 mm जैक जो यहाँ पे हम लगा देते हैं और इस ईयरफोन्स को भी हम कान में लगा देते हैं। एक्चुअली में जो ये कैसा हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है अच्छे से तो फिट होता है।
यहाँ पे जो आप एक छोटा सा डेमो इसका देख लीजिए, जो इसका जो गेमिंग टेस्ट जो है हमारा छोटा सा, वो आप देख लीजिए कैसा हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। जो है मैंने अच्छे से खेली और काफी लॉन्ग टाइम खेली है मैंने इससे गेमिंग, तो मुझे उतना यहाँ पे फील नहीं आया है। जो 100 ओलिम पर आप एक गेम खेलते हैं तो आपको जो यहाँ पे बहुत ज्यादा लाउडनेस यहाँ पे आपको इस ईयरफोन्स के थ्रू देखने को मिल जाती है। जो तो यहाँ पे आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज करोगे तो आपका जो सिर भी दर्द हो सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा लाउड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। 50 ओलिम पर जो आप एक गेम खेलते तो आराम से यहाँ पे खेल सकते हैं, उसमें आपको कुछ दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। 50 ओलिम पर आराम से आप खेल सकते हैं। 100 ओलिम पर आप खेलते हैं बहुत ज्यादा लाउड, यहाँ पे आपको इसका ओलिम देखने को मिलता है। तो इसका फटाक से हम इसका ऑडियो चेकआउट कर लेते हैं, कितना हमें बेहतर ऑडियो देखने को मिलते हैं या नहीं। ईयरफोन्स के थ्रू इसका ऑडियो क्वालिटी जो है रिकॉर्ड हो रही है, जो आपको इसका ऑडियो क्वालिटी जो है कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर यहाँ पे बता दीजिए। कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट आपको ठीक ठाक कंफर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये जो इसका जो ड्राइवर जो है बहुत ज़्यादा मोटा ड्राइवर यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपके लिए जो कान में लगाते वक्त यहाँ पे बार बार निकालोगे डालोगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे कान में लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ईयर को निकाल के आप आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली, आराम से आप कंफर्ट अच्छा मिल जाता है आपको। और आपको हमारी वीडियो और जरूर अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं।